हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। ये कैसे संभव है? ये पापी प्रसन्नता के गीत गा रहा है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। महाराज मुझे तो लगता है कि ये आदमी कोई तंत्र मंत्र जानता है, तभी ये दीमक इसके पास तक नहीं आए। पर केवल इतना ही नहीं महाराज, राजकुमारों की हत्या भी इसने तंत्र मंत्र की सिद्धि के लिए ही की होगी। तुम सत्य कह रहे हो सेनापति, इस पापी को जीवित रहने का कोई अधिकार नहीं है। इस अधर्मी ने राजकुमारों की हत्या का अपराध किया है, इसलिए पूरे राज्य के समक्ष इसे मृत्यु दंड दिया जाएगा। काली बहेलिए, कहाँ हो तुम? देखो मैं आ गया हूं। ये वही स्थान है, वही समय और वही मैं। तुम कहाँ हो बाली? मेरे सम्मुख आओ। आप आए नहीं हो कृष्णा, बाली बहेलिए ने आपको विवश कर दिया है यहां आने के लिए। बोलो बाली, क्यों बुलाया मुझे यहां? कृष्ण, आपने मेरी हत्या करके मुझे अपराधी बना दिया और स्वयं भगवान बन गए। पर आज इस सारे संसार के सामने मैं सिद्ध कर दूंगा कि अपराधी मैं नहीं, अपराधी आप थे। लगता है तुम्हारी मृत्यु ने तुम्हारी आत्मा पे घाव किया है। और ये घाव मुझे आपने ही दिया है कृष्ण। चिंता मत करो, यदि घाव मैंने दिया है तो उसका उपचार भी मैं ही करूंगा, क्योंकि जब तक तुम्हारा ये घाव भरेगा नहीं, मेरा भक्त सुदाम उस श्राप से मुक्त नहीं होगा। ये भक्त के नाम पर कलंक है, अंत कर दो इस हत्यारे का। हाँ हाँ, मार डालो इसे ताकि हमारे बच्चे सुरक्षित। हरे कृष्ण अंत कर दो इसे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। तो बोलो क्या प्रश्न पूछना चाहते हो? तुम्हारे हर प्रश्न का उत्तर दूंगा मैं। कृष्ण, ये स्थान आपको याद है? ये वही वृक्ष है जिसकी आड़ में छुपकर आपने मुझ पर तीर चलाया था। ये वही स्थान है जहां छल से आपने मेरे प्राण ले लिए थे, स्मरण हुआ? तुम्हारे कहने का अर्थ ये है, ये वही स्थान है जहां अधर्म के कारण तुम्हारी मृत्यु हुई थी। अधर्म? मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, कारण कवन नाथ मोहे मारा कृष्ण। तो मेरा पहला प्रश्न आपसे यही है कि भाई भाई की लड़ाई में किस अधिकार से आप पंच परमेश्वर बन गए थे? किस अधिकार से आपने मुझ पर तीर चलाया? स्वामी, स्वामी, आपकी क्या गत है? आपको इन लोगों ने बंदी क्यों बनाया स्वामी? श्रीराज चिंता मत करो, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है।
इस घटना के पीछे भी श्री कृष्ण की कोई इच्छा होगी। नहीं बाबा, श्री कृष्ण ऐसा नहीं कर सकते। वे तो आपके सखा है और सखा एक दूसरे की रक्षा करते हैं। तुम सही कह रहे हो पुत्री, यदि मेरी भक्ति में शक्ति है तो श्री कृष्ण अवश्य मेरी रक्षा करेंगे। स्वामी, आपकी भक्ति के लिए मैं अपने स्वामी का बलिदान नहीं दे सकती। आप इनको छोड़ दीजिए, मेरे स्वामी ने कोई अपराध नहीं किया है, इन्हें छोड़ दीजिए। मेरे बाबा बहुत अच्छे हैं, वो किसी की हत्या नहीं कर सकते। अरे तुम लोग नहीं जानते कि खाने के दांत और दिखाने के और हैं। आपसे कोई भूल हुई है, इन्होंने कोई अपराध नहीं किया है। भूल तुम कर रही हो ऐसे अपराधी को बचाने का प्रयत्न करके। मार्ग छोड़ो हमारा, ले चलो इसे। स्वामी, मुझे प्रतीत होता है कि इन ऋषि मुनियों ने आपके विरुद्ध एक षड्यंत्र रचा है। सुशीला, श्री कृष्ण के सम्मुख किसी का भी षड्यंत्र टिक नहीं सकता। यदि मैं कुछ हो गया तो इन बच्चों का ध्यान रखना। स्वामी, जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। ले चलो। स्वामी, बाली, तुमने मुझे याद दिला दिया कि मैंने क्या किया था। क्या तुम्हें याद है कि तुमने क्या किया था? अपने छोटे भाई की पत्नी के साथ विवाह करना अधर्म होता है बाली। छोटे भाई की पत्नी पुत्री समान होती है। यह रघुकुल की रीत होगी कृष्ण, हम वानरों में ऐसी कोई रीत नहीं होती। आपने वानर परंपरा को बिना जाने बिना समझे मुझे दंड दिया, क्या यह अधर्म नहीं? बाली, किसी भी कुरीति का अंत करना अधर्म नहीं, धर्म होता है। और किसी पर छुपकर वार करना, ये तो रघुकुल की रीत नहीं? फिर आपने ये अधर्म क्यों किया कृष्ण? क्योंकि अपने बल के अहंकार के कारण तुम पशु बन चुके थे बाली, और पशुओं का शिकार छिपकर ही किया जाता है। इसका अर्थ के सारा दोष केवल मेरा ही है, और आपने कोई अपराध ही नहीं किया। व्यर्थ ही मैं एक युग से प्रतिशोध की अग्नि में जल रहा हूं, व्यर्थ ही मैंने आपके भक्त को श्राप दिलवाया। यदि तुम्हें अपनी भूल का आभास हो गया है तो अब भी समय, अपनी भूल सुधार सकते हो तुम। नहीं कृष्ण, बहुत सह लिया मैंने, एक युग से सह रहा हूं, पर अब आपका वो भक्त सुदामा सहेगा मेरे दिलवाए गए श्राप की पीड़ा को। ठहरो बाली, यदि तुम्हें जाना ही था तो मुझे यहां बुलाया ही क्यों? क्योंकि मुझे लगा था कि आप अपनी भूल स्वीकार करेंगे, मुझसे क्षमा मांगेंगे, और आपकी आंखों में आंसू देखकर मेरी आत्मा को थोड़ी शांति मिलेगी। तुम्हारी निराशा के लिए मैं क्षमा चाहता हूं, किंतु एक सत्य है बाली जो मैंने आज तक किसी को नहीं बताया। तुम्हारी मृत्यु का दुख मुझे आज भी है। मैं कुछ समझा नहीं। यदि मुझे मारना धर्म था और मुझे मारने का ढंग न्याय संगत, तो फिर आपको किस बात का दुख है? बाली, बातों के कई पहलू होते हैं। मैंने जो कहा वह धर्म की दृष्टि से कहा, किंतु यदि मैं तुम्हारी ओर से देखूं तो मैं तुम्हारा दोषी हूं। फिर क्या आपको अपना अपराध स्वीकार है? क्या आप मानते हैं कि आप मेरे अपराधी हैं? यदि मैं स्वीकार कर लूं कि मैं तुम्हारा अपराधी हूं, तो क्या तुम मेरे भक्त सुदामा को श्राप से मुक्त कर दोगे? इतनी सरलता से नहीं। सुदामा का श्राप तब तक पूर्ण नहीं होगा जब तक मेरा प्रतिशोध पूर्ण नहीं होता। बाली, इस क्षण की प्रतीक्षा तुम एक युग से कर रहे हो। स्पष्ट शब्दों में कहो
तुम मुझसे क्या चाहते हो? यदि आप स्वयं को मेरा अपराधी मानते हैं और आप चाहते हैं कि सुदामा का श्राप दूर हो, तो आपको मुझे एक वरदान देना होगा। शत्रु के रूप में ही सही, तुम एक युग से मेरी भक्ति कर रहे हो बाली, एक युग से इस क्षण की प्रतीक्षा कर रहे हो, एक युग से मेरा नाम जप रहे हो, मुझे प्रसन्नता है। बोलो बाली, क्या वरदान चाहते हो तुम? कृष्ण रामा अवतार में आपने छल पूर्वक मेरा वध किया था, इसलिए संसार को बाली की शक्तियों का परिचय नहीं मिल पाया था, लेकिन इस युग में मैं संसार को अपनी शक्ति का परिचय देना चाहता हूं। मैं चाहता हूं जैसे रामा अवतार में आपने मेरा वध किया था, इस कृष्ण अवतार में मैं आपका वध करूं। इसलिए मुझे वरदान दीजिए कि इस युग में आपकी मृत्यु मेरे हाथों होगी, बाली बहेलिए के हाथों होगी। किस सोच में डूब गए कृष्ण? कहीं मैंने आपके सामर्थ्य से अधिक तो नहीं मांग लिया? भगवान का सामर्थ्य भक्तों के लिए ही होता है बाली। तो कृष्ण, क्या आप अपने भक्त के लिए मरने को भी तैयार हैं? वो भी उस अधर्मी के हाथों जिसका वध स्वयं आपने किया था। भक्त भगवान के लिए क्या कुछ नहीं करते, और सुदामा तो संसार में एकमात्र ऐसा भक्त है जिसके लिए एक बार तो क्या, मैं हजार बार मरने के लिए तैयार हूं। तुम जैसा चाहते हो वैसा ही होगा। मेरे कृष्ण अवतार का अंत तुम्हारे तीर के कारण होगा बाली। मेरी इस जीवन लीला का अंत बाली बहेलिया के हाथों ही होगा। यदि तुम्हारा प्रतिशोध पूर्ण हो गया और तुम्हारे मन मेरे प्रति बैर समाप्त हो गया, तो मेरे भक्त सुदामा को श्राप से मुक्त कर दो। हे प्रभु, आपने अपने एक भक्त के कारण इतना बड़ा बलिदान दिया, इस संसार में आपसे अधिक भक्तवत्सल और कोई नहीं है प्रभु, और ना ही कोई मुझ जैसा पापी और अधर्मी जो एक युग से इस सृष्टि के पालनहार से ही प्रतिशोध के लिए तड़प रहा है। प्रभु, मैं पिछले जन्म में भी एक अपराधी था और इस जन्म में भी एक पापी हूं। हत्या कर दीजिए प्रभु, मुझे इस जीवन से मुक्ति दे दीजिए प्रभु। बाली, स्वयं को दोष मत दो, ये तो नियति है और त्रेता युग में ही निर्धारित हो गया था कि मेरे कृष्ण अवतार का अंत तुम्हारे कारण ही होगा। नहीं प्रभु, ये मुझसे नहीं होगा प्रभु, मैं आप पे तीर नहीं चला सकता। अपना ये वरदान वापस ले लीजिए प्रभु, वापस ले लीजिए। बाली, भगवान के शब्द कभी झूठे नहीं होते। किंतु ठीक, मेरे कृष्ण अवतार का अंत तुम्हारे तीर के द्वारा ही होगा, किंतु तुम्हें ज्ञात ही नहीं होगा कि तुम तीर किस पर चला रहे हो। तुम मेरी हत्या अनजाने में करोगे। ये मैंने क्या कर दिया जिस परमात्मा के दर्शन के लिए लोग युगों युगों तक तपस्या करते हैं? मैंने उसे की मृत्यु का वरदान मांग लिया। प्रभु, मेरे कारण सुदामा संकट में है, उसकी रक्षा कीजिए प्रभु, वरना मैं दो हत्याओं का पाप नहीं सह सकता। मुझे प्रसन्नता है बाली कि मेरे प्रति तुम्हारा बैर समाप्त हुआ और तुमने मेरे परम भक्त सुदामा को उस श्राप से मुक्त किया। तुम्हारा कल्याण हो बाली।
ये कृष्ण भक्त के नाम पर कलंक है पापी, इस कलंक को मिटा दो। हाँ हाँ, इस पापी का अंत कर दो, पापी का दंड दो, इसे मारो, इसे दंड दो, दंड दो, इसे जीने का कोई अधिकार नहीं। अरे कृष्ण, हे श्री कृष्ण, अब केवल आप ही रक्षा कर सकते हैं मेरे स्वामी की। रक्षा कीजिए दया निदान, अपने सखा की रक्षा कीजिए। सुदामा, ये तुम्हारा अंतिम अवसर है। यदि अब भी तुम कृष्ण भक्ति छोड़ दो तो हम तुम्हें मृत्युदंड से बचा सकते हैं। बचाने वाला तो मेरा सखा, यदि उन्हें बचाना होगा तो मुझे अवश्य बचा लेंगे। मूर्ख, तुम्हें नहीं पता महाराज के दोनों पुत्र हमारी माया के अधीन हैं, इसलिए हम चाहें तो तुम्हें मार भी सकते हैं और तुम्हें बचा भी सकते हैं। कैसे ऋषि हैं आप लोग जो अब तक ये समझ नहीं पाए कि जिन पर प्रभु श्री कृष्ण की कृपा है उनका कोई अहित नहीं कर सकता। सुदामा, भक्ति छोड़ो और देखो अपनी पत्नी और बच्चों को। तुम्हारे मृत्यु दंड के पश्चात लोग तुम्हारे पुत्रों को एक हत्यारे का पुत्र कहेंगे। और एक अपराधी का दंड केवल उसे नहीं मिलता, उसकी पत्नी और उसके बच्चों को भी मिलता है। लोग तुम्हारी पत्नी को जलाकर मार भी सकते हैं। क्या तुम यही चाहते हो कि तुम्हारी मृत्यु के पश्चात लोग तुम्हारे बच्चे को हत्यारे के बच्चे कहकर पत्थर मारे? नहीं, लोग ऐसा नहीं कर सकते, ये लोग इतने बुरे नहीं हो सकते। वो लोग मेरे बच्चों को क्यों दंड देंगे? सुदामा, तुम नहीं समझते हो, ये संसार बुरा ही है। बस हम चाहते हैं तो कृष्ण की भक्ति छोड़ो और अपने परिवार को बचाओ। सच कहा आप लोगों ने, इस संसार में आप जैसे बुरे लोगों का भी वास है। और जानते हैं अच्छी बात क्या है, इसी संसार में मेरे प्रभु श्री कृष्ण का भी वास है और मेरे पश्चात केवल मेरे सखाई हैं जो मेरे परिवार की देखभाल कर सकते हैं और उनकी रक्षा भी कर सकते हैं। जीवन पर्यंत मैंने कृष्ण भक्ति नहीं छोड़ी तो मरने से पहले ये पाप क्यों करूं मैं? यदि तुमने मरने की ठान ली है तो जाओ मरो। ये मरकर भी नहीं सुधरेगा। सेनापति, किस बात की प्रतीक्षा हो रही है? दंड दो इसको। ये क्या हो रहा है? कौन बचा रहा है इस अधर्मी सुदामा को? प्रभु, आप यहां? मुझे आना पड़ा ध्वज बंधु। जब भक्त संकट में होते हैं तो भगवान को आना ही पड़ता है। प्रभु, संकट
सुदामा पर कोई संकट नहीं है, हम तो उसकी परीक्षा ले रहे थे। बड़े अच्छे भक्त हैं आप, अपने भगवान के सामने ही झूठ बोल रहे हैं, जबकि सत्य ये कि सुदामा की कई परीक्षाएं ली हैं आपने, पर आपकी समस्या ये कि सुदामा आपकी हर परीक्षा में सोने की तरह खरा उतरा है। प्रभु, माना कि सुदामा ने भक्ति नहीं छोड़ी, पर हमने भी अभी तक हार नहीं मानी है। यदि आप एक अवसर दें, हम ये सिद्ध कर देंगे कि ऋषिवर, अपने आप को ऊंचा उठाने के लिए और कितना नीचे गिरेंगे। आपने क्या कुछ नहीं किया, गैया का दूध रोक दिया, सुदामा को गांव से बाहर निकाल दिया, उसके पुत्र के जीवन को संकट में डाल दिया, और अब स्वयं सुदामा के जीवन को मृत्यु की वेदी पे खड़ा कर दिया। ब्रज बंधु, आपने सुदामा की परीक्षा लेके सिद्ध कर दिया कि आपके मन कितना द्वेष, कितना पाप और कितनी घृणा है। भक्त शिरोमणि की उपाधि प्राप्त करने के लिए आपने वर्षों तक भक्ति की, किंतु आज उस भक्ति को आपने कलंकित कर दिया। किंतु आपके इस हठ योग के कारण मैं अपने भक्त का हित नहीं होने दूंगा। अब यह निर्णय आप लोगों को करना है कि भक्त शिरोमणि कौन है, सुदामा का जीवन लेने वाले आप लोग या भक्ति का गौरव बढ़ाने वाला सुदामा।